नमस्कार दोस्तों, आज रेडियोज़ के और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वही देखते हैं फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ऑप्शन निफ्टी ऑप्शन में टुमारो यानी 11 तारीख को क्या हो सकता है। इससे पहले फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि मैंने यस्टरडे जो आपको लेवल दिए थे उसके हिसाब से आज उसने कैसे वर्क किया। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे कि बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बोला था कि 42,424 ब्रेक करेगा तो उसका टारगेट पहला आएगा 42,273, दूसरा टारगेट मैंने दिया था 42,110 और तीसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 41,910। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो बैंक निफ्टी ने 41,8350 उसने लो मारा है फ्रेंड्स। तो हमारा तीनों टारगेट फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ने अचीव कर लिया आज की तारीख में। ओके फ्रेंड्स, वैसे ही फ्रेंड्स निफ्टी में मैंने आपको जो थ्रेड दिया था कि 18,065 ब्रेक करेगा फ्रेंड्स डाउन की साइड में ये वाला, तो उसका पहला था कि मैंने आपको दिया था 17,000, दूसरा था कि मैंने आपको दिया था 17,940 और तीसरा था कि मैंने आपको दिया था 17,880 के करीब आपको टारगेट दिया था मैंने निफ्टी में इंट्राडे के लिए। और उसने हाई तो नहीं लेकिन उसने लो मारा है फ्रेंड्स आज निफ्टी 50 ने 17,856 उसका लो है। तो मैंने जो तीनों टारगेट दिया था वो तीनों टारगेट भी निफ्टी में भी फ्रेंड्स अचीव हो गया। अब आइए देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि निफ्टी में एसजीएस निफ्टी और US 30 में क्या हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे तो एसजीएस निफ्टी अभी 25 पॉइंट प्लस दिखा रहा है और US 30-40 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। तो इसका हिसाब ये होता है कि कल टुमारो बुधवार को हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होने की पूरी पूरी संभावना है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि वनडे के चार्ट में क्या सीनियर बन रहा है फ्रेंड्स निफ्टी में। मैं ये सारा लेवल जो ड्रॉ किया था उसको मैं आज निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स और फिर से हम ड्रॉ करेंगे फिर कल के लिए। फ्रेंड्स मैंने सबसे पहला आपको यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ से ये जा रही है ट्रेंड लाइन नीचे से साइड में और अप साइड से लेके नीचे आ रही है ये एक ट्रेंड लाइन। तो अब यहाँ पे चेक करोगे तो लगातार इसी ट्रेंड लाइन के अंदर वो घूम रहा है फ्रेंड्स हमारा निफ्टी। अगर इस ट्रेंड लाइन को जिस तरफ मूव वो ब्रेक करेगा उस तरफ बड़ा मूवमेंट आने की पूरी पूरी संभावना है फ्रेंड्स निफ्टी 50 में। तो आज का क्लोजिंग हुआ है निफ्टी में 17,914 पे उसका क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स निफ्टी ने और उसका लो है 17,856। अगर फ्रेंड्स वन डे के अंदर में अगर हम चेक करते हैं तो आज का लो यानी 17,850 ब्रेक करता है तो उसका टारगेट आ सकता है 17,770। दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 17,500-600 के बीच में जा सकता है वन डे के चार्ट में। ओके फ्रेंड्स नाव की साइड में तो आइए देख लेते हैं कि टुमारो इंट्राडे में क्या हो सकता है फ्रेंड्स निफ्टी में। फ्रेंड्स जैसे कि हम हर बार नो ट्रेडिंग ड्रॉ करते हैं वैसे ही आज हम ये नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है वो आपको भी पता ही होगा फ्रेंड्स। जैसे कि 17,914 पे क्लोज हुआ है मार्केट तो हम नो ट्रेडिंग जोन देख लेते हैं फ्रेंड्स ये वाला इसके अंदर के हाई तो देख लेते हैं फ्रेंड्स 17,900 के अप साइड में ये लेवल है फ्रेंड्स और डाउन की साइड में फ्रेंड्स हम रखते हैं ये वाला। अगर फ्रेंड्स टुमारो निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है यानी 17,970 से लेके 17,860 उसके बाद अप साइड में ये ब्रेक करता है 17,970, ये बहुत बड़ा लेवल इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ 17,970 ब्रेक करता है तो उसका टारगेट आ सकता है अप साइड में पहला फ्रेंड्स 18,037 और दूसरा टारगेट आ सकता है अप साइड में फ्रेंड्स 18,103 और डाउन की साइड में फ्रेंड्स अगर 17,850 ब्रेक करता है तो उसका टारगेट आ सकता है पहला फ्रेंड्स 17,800। क्योंकि आप यहाँ पे चेक करोगे कि हमारा जो वन डे का चार्ट था उसमें हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था तो हो सकता है यहाँ पे उसको सपोर्ट मिले, अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसका दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स डाउन की साइड पर 17,770। ये दो टारगेट मैं दे रहा हूँ फ्रेंड्स डाउन की साइड में
अभी और कुछ रह गया है नहीं। ओके चलो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। इसके लिए पूरा लेवल में अभी आज का निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स, और अभी इसको वन डे के चार्ट में हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स जैसे कि हमने निफ्टी में ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, वैसे ही यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स। ये वाली ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर जा रही है फ्रेंड्स, और ऊपर से नीचे आ रही है फ्रेंड्स, ये वाली ट्रेंड लाइन जो मैंने कल भी आपको बोला था, इसी जोन में किसी भी तरफ एक तरफ ब्रेक करेगा तो वहाँ से हमें बड़ा मूवमेंट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में 41,800 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 41,560 से लेके दूसरा टारगेट आ सकता है 40,800। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ओके फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में डाउन की साइड में। तो ये देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में क्या हो सकता है फ्रेंड्स। कल 42,015 पे क्लोज हुआ है फ्रेंड्स हमारा बैंक निफ्टी ने, तो कल के लिए हम नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक 42,015 पे क्लोज हुआ है, तो हम नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स। ये दूसरा ये, अगर फ्रेंड्स कल बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है यानी 42,170 से लेके 41,830 के बीच में ओपन होता है, और उसके बाद अपसाइड में फ्रेंड्स 42,177 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स अपसाइड में 42,331, और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स अपसाइड में 42,550। वैसे ही फ्रेंड्स डाउन के साइड में अगर फ्रेंड्स 41,830 ब्रेक करता है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे 5-10 मिनट सस्टेन करेगा फ्रेंड्स बैंक निफ्टी, तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स 15 मिनट की चार्ट में 41,650, और दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स 41,545। ये दो टारगेट नीचे की साइड में मैं देता हूँ फ्रेंड्स कल के लिए बैंक निफ्टी ऑप्शन में। फ्रेंड्स मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बना था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।